hello students i hope you all are doing good let's start today's chapter some natural phenomena in ancient times the natural calamities like drought floods forest fire lightning earthquakes etc were believed to be the anger of god natural disasters keep reminding humans of their minimal existence on the planet earth development of scientific methods and technologies affect the nature negatively very often we read news headlines about natural disasters like tornadoes high winds lightning floods tsunamis and earthquakes they destroy the human life and property and the effect can be seen for several years we can see sparks on electric poles when wires become loose in our homes if a plug is loose in its socket some sparks can be seen but on a small scale पहले के टाइम पे एंशियन टाइम पे क्या होता नेचुरल कैलोमिटीज जैसे आती थी, थी तो लोगों को लगता था कि ये भगवान का गुस्सा है ओके okay? अब नेचुरल डिजास्टर्स अब आपकी जैसे होती हैं आपको पता है कि ये इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एंगर ऑफ गॉड बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स कुछ आपके नेचुरल रीजनस होते हैं कुछ आपके मैन मेड रीजन्स होते हैं राइट right? तो देखिए बहुत सारे जैसे जो साइंटिफिक मैथड आपके डिवेलप हुए हैं टेक्नोलॉजीज आपकी डिवेलप हुए हैं तो वो नेचर को इफेक्ट कर रही है और इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली आए okay? दिन आप लोग हेडलाइन सुनते हो ना कहीं पे हाई विंड्स है कहीं पे फ्लड आ जाता है बाढ़ आ जाता है सुनामी आ रही है टॉर्नेडोस है राइट ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और कई सालों से करते आए राइट लाइटनिंग लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट इट इज इंटेंस लाइटनिंग भी आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क है लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है इंटेंस होता है। इट टेक्स्ट प्लेस व्हेन द मोइस्चरी कंटेंट इन द क्लाउड्स बिकम लार्ज हैंस इट इस कॉस्ट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। जब कभी भी चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है क्लाउड्स में तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिंग होती है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर आप द गै

was rubbed with fur, it attracted light object. When we take off woolen or polyester clothes, our hand hairs stand on. and and if we take off these clothes in the dark, we can easily see spark and a cracking sound also. Benjamin Franklin, एक American scientist थे, उन्होंने शो किया था कि जो lightning ये जो sparking होती है हमारी clothes से, वो same phenomenon है। तो देखिए जब आपका जो amber है, a kind of resin, जो आपके certain plant, आपके क्या करते हैं? करते हैं तो इसको जब फर के साथ रब किया जाता है तो ये लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जहां हमने वुलिन या पॉलिस्टर क्लोट को निकालते हैं ना हमारे अपने नोट किया होगा जो हेयर होते हैं हैंड में वो गड़े हो जाते हैं ओके okay? स्टैंड करते हैं और अगर आप इन क्लोथ को डार्क में अंधेरे में निकालेंगे तो आपको कुछ, कुछ स्पार्क नजर आएगा और कुछ क्रैकिंग साउंड भी आपको सुनाई देगी ओके अनचार्ज एंड चार्ज बॉडीज

The static electricity can be produced by rubbing. Let us perform an activity to understand it better. Activity 1 To know about charging. Take a plastic comb, spread small pieces of paper on a table. Bring the plastic comb near the paper bits. Note what happens. Now rub the plastic comb vigorously against a piece of flannel. You can also rub it through your friend's dry hair. Take this rubbed comb near the pieces of paper. Observe what happens. You will see that these bits of paper are attracted towards a comb or scale. From this, we observed that bodies can be charged or they acquire electric charge as in case of the comb. This process of rubbing two surfaces to charge them is known as charging by friction. Do all materials ha show the same property? Let us find out with the help of the following activity. आप एक प्लास्टिक कॉम लीजिए और छोटे छोटे पीसेस आपको पेपर के रखने टेबल पर ओके okay? अब प्लास्टिक कॉम को अपन पेपर के पास लेके जाइए कुछ नहीं होगा फिर अब आप आपने क्या करना है प्लास्टिक कॉम को आपने रब करना है अगेंस्ट योर ड्राई हेयर या अपने फ्रेंड के ड्राई हेयर में भी आप कॉम कर सकते हैं अब उस कॉम को आप लेके जाएंगे उन पिट्स ऑफ पेपर के पास छोटे छोटे जो पीसेस हैं अब वो पीसेस उस कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो गए ओके okay? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने जब कॉम को रब किया अगेंस्ट ड्राई हेयर तो वो चार्ज हो गया ओके, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम दो सर्फेस को रब करते हैं उनको ये अबाउट चार्ज ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट डिफरेंट ऑफ मटीरियल दैट यू कैन इजिल फाइंड यू मे कलेक्ट कार्डबोर्ड पीसेस ऑफ प्लास्टिक थर्माकोल नाइफ रॉड जो पाइप्स ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम आयर्न डिफरेंट आइटम फ्रॉम योर किचन सीड्स ग्रेन पालसिस

लिस्ट बना सकते हैं कि किसने रिएक्शन कोई शो नहीं किया आफ्टर बीइंग रब्ड तो देखिए जो भी बॉडी चार्ज कर रही है वो है आपकी चार्ज बॉडी या सिंपली हम इसे कह सकते हैं चार्ज राइट नाउ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिवेलप ऑब्जेक्ट आर रब्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज You know that matter is composed of a small particles called atoms. An atom has a central positive core called nucleus. The nucleus is made of positively charged particles called protons and neutrons. Means uh, neutral particles. The negatively charged particles called electrons revolve around the nucleus in circular orbit. The number of electrons in each atom is equal to the number of protons in the nucleus. आपका जो बैटर है वो आपकी छोटे छोटे पार्टिकल से कंपोज होता है जिसे हम कहते हैं का एक सेंट्रल पॉजिटिव कोर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपका बना होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से जिन्हें कहा जाता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता एंड जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व करा करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस सर्क्यूलर ऑबिट्स में तो so, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर आइटम के वो इक्वल होते हैं टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओके okay? एंड आपको जो प्रोटॉन का जो चार्ज है एंड जो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो सेम होता है इसीलिए आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हाउएवर जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव हो जाते हैं एक मटेरियल से और वह दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाते हैं ओके okay? तो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ओके टाइप ऑफ चार्जेस नंबर वन पॉजिटिव चार्ज नंबर टू नेगेटिव चार्ज ठीक है ग्लास्ट और बिजसर

On rubbing two objects together, the charge appears due to actual movement of electrons from one object to other. Interaction between charged bodies. Let us perform the following activity, activity three, to observe repulsion and attraction in charged bodies. Number one, take a plastic scale and hang it from a stand by using a thread. Rub it with a piece of foam.

Number three, bring the positively charged glass rod near the negatively charged plastic scale. They will move towards each other. That means they will attract each other because both have opposite charges. Okay. What do we conclude from the above activity? Similar or like charges repel one another. Opposite or unlike charges attract each other. Remember that. Okay. Interaction between charged and uncharged bodies.

to become positively charged while the the other gains the same number of टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द अदर गेंस द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बिकमीट इजोर्म एन एक्टिविटी अफेक्ट इन बॉडी तो देखिये ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी जैसे दोनों बॉडीज चार्ज हो गए हैं तो उनमें एंड चार्जेस जो एक्वायर कर रहे हैं वो आपके इक्वल तो हैं बट अपोजिट हैं. ऐसा होता है क्योंकि एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा जबकि दूसरा जो है वो गेन करेगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वह निगेटिवली चार्ज होगा Okay. Activity four to know about attraction in a body. Hang a balloon by a thread. Charge a glass rod positively by rubbing it with silk. Bring it near the balloon. The balloon will be attracted towards a glass rod. Take a glass plastic scale and charge it negatively by rubbing it with gas for on bringing it near the balloon, you will see similar attraction as in case of the glass rod. Why did this happen? We know that an uncharged body has an equal number of positively and negatively charged particles. फिर आप प्लास्टिक स्केल लेंगे उसको और फिर जब आप उसको बलून के पास लेंगे फिर सेक्शन होगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि देखिए बलून वॉज एन अनचार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी होते हैं उसमें तो ये आपका अट्रैक्ट हो जाता है दोनों की तरफ यानी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज दोनों की तरफ ये अट्रैक्ट होता है राइट चार्जिंग बाय कंडक्शन लेट इस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एक्टिविटी फाइव टू नो अबाउट चार्जिंग बाय कंडक्शन टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड रोल इट टू मेक अ सिलेंडर टाइट हेल्प ऑफ अ थ्रेड एंड हैंग इट अ नेगेटिवली चार्ज रूलर rubbed with wool for near it initially the cylinder will be attracted towards a ruler however when the ruler touches the cylinder some excess negative charge is transferred to the paper cylinder the cylinder too is negatively charged and therefore moves away that means repels from the plastic ruler apne पेपर की शीट लेनी है और उसको रोल करके सिलेंडर बनाना है जैसे कि आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है उसको हैंग करना है फिर आप क्या करेंगे

In the above activity, you observed that an uncharged body gets charged when brought in contact with a charged body. Charging a neutral body by bringing it in contact with another charged body is called charging by conduction. If a body is charged by conduction, it acquires the same charge as that of the charged body.

It has two thin leaves of gold mounted in a box or bottle attached on the other end to a metal rod with a metal disc. An electroscope tests the charged body from an uncharged body and also the amount of charge the cha the body has. Let us see what happens under the following situation: If an uncharged body is brought in contact with electroscope, no repulsion is seen between its leaves. इलेक्ट्रोस्कोप के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो उसकी जो लीवे कोई रिपल्शन नहीं होगा लेकिन जैसे आप चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे लीव आपकी डाइवर्स हो जाएंगे ओके और अब चार्ज होने के बाद अगर चार्ज बॉडी को मूव भी कर देंगे इलेक्ट्रोस्कोप से तब भी वो चार्ज रहेगा और लीव्स आपकी डाइवर्स रहेगी तो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या इसमें इलेक्ट्रोस्कोप आपका चार्ज है बाय द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन ओके इफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इ टच बाय यू लीव्स क्स इमीडिएटली व्हाई डू दे कैलैप्स when you touch a charge electroscope your body acts as earth and the electroscope behaves like a single charged body the earth being very big absorbs almost all the charge it is due to this uh, reason electroscope shows no charge on it this phenomenon is known as earthing from the above you can now understand how difficult it is to charge a metal rod by friction because any charge transferred to the piece of metal by friction moves away due to earthing okay इलेक्ट्रोस्कोप है आप इसे टच करेंगे तो लीव्स जो है वो इमीजिएटली गल आप से जाएंगे क्योंकि जब आपने चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को टच किया हमारी बॉडी जो है इट एक्टस अर्थ एंड द इलेक्ट्रोस्कोप जो है आपके सिंगल चार्ज बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है तो अर्थ क्योंकि बहुत बड़ी है तो जितना भी चार्ज ऑलमोस्ट इसको ये अब क्या होगा एबजॉर्ब कर लेगी ओके okay? और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसमें कोई चार्जिंग नहीं होगी ओके सो दिस फिन इज नोन एज अर्थिंग राइट

We know that an uncharged body has an equal number of positively and negatively charged particles in it. When a positively charged object is brought near an uncharged object, the negatively charged particles in the uncharged objects get attracted to it. While the positively charged particles get repelled. As a result of this negatively charged particles of some atoms of the uncharged object move towards the end facing the charged object. Due to this Concentration of negatively charged particles at the end near the positively charged object takes place. The other end, which is away from the positively charged object, has an axis of positively charged particles. Reverse happens when a negatively charged object is brought near an uncharged object. Because of this phenomenon, charged particles in it gets redistributed. This phenomenon of redistribution.

इसकी वजह से जो कॉन्सन होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट okay? से दूर है एक्सेस हो जाएगा ओके एंड ये आपका रिवर्स होगा जब आपका नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे okay? तो इस फिनम की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड दिस फिन इज नोन एज इंडक्शन जिसमें आपका क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज पार्टिकल्स का ओके फ्रॉम द अबव वी कैन नाउ एक्सप्लेन वाई अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट दिस इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन चार्ज गेट इंड्यूस्ड इन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय द चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूर्ड चार्ज ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स इन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट री डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच वे दैट इट शोज नो चार्ज ऑन इट यू कैन कन्फर्म दिस विदेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को सो देखिये जब भी आपका चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में होता है ऑपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूज हो जाता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट में बाय द चार्ज ऑब्जेक्ट एंड जब चार्ज ऑब्जेक्ट आपका मूव अवे हो जाता है वो मूव करता है दूर तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट में वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस तरह से कि उसमें कोई भी चार्ज हो नहीं होता है ओके नेचुरल फिनमिना चोरिंग लाइटनिंग एंड थंडस्टॉम नो ओपन प्लेस इज सेफ ह्योरिंग थंडर इज alert अलर्ट टू रश टू अफ place प्लेस वेट फॉर time बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस इफ ट्रैवलिंग बाय बस और बाय कार शट द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द vehicle जब कभी भी आपको थंडर सुनाई देता है तो आपके लिए एक अलर्ट है कि आप एक सेफ प्लेस में चले जाएं। बिल्डिंग और हाउस आपके लिए एक सेफ प्लेस होते हैं अगर आप बस या कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डोर्स एंड विंडोज जो है शट कर देने चाहिए ओके डोर्ज एंड डोर ड्यूरिंग अ थंडर आउटसाइड द हाउस अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको क्या करना है नेवर लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड क्राउड योर सेल्फ ऑन द ग्राउंड क्वीजिंग ऑर बॉडी टू द टाइनेस्ट पॉसिबल पॉस्चर प्लेस योर आर्म्स ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द आर्म्स दिस इज दिस पोजीशन विल मेक यू सेफ अगेंस्ट अ लाइटिंग नंबर टू टेक शेल्टर इन अ बिल्डिंग और अ कार विद क्लोज विंडोज डू नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री एज अड्स अ गुड कंडक्टिंग पाथ फॉर लाइटिंग अगर आप बाहर हैं तो कभी भी जमीन पर ग्राउंड पर आप फ्लैट ना लेते हैं. ओके okay? आपको बल्कि क्या करना चाहिए अपने आप को आप क्राउच कर लेंगे ग्राउंड में अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे जितना छोटा आप कर सकें ओके okay? अपने आर्म्स को अपने नीज पे रखें हेड को अपने आर्म्स के बीच में रखें ओके okay? इससे आप लाइटनिंग से सेफ रह सकते हैं बिल्डिंग में या कार में जिसकी विंडोज क्लोज है उसमें आप शेल्टर लें और कभी भी पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना खड़े हो क्योंकि जो है ये एक गुड कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेगा लाइटनिंग के लिए राइट number three if you are in a group separate out at once at least 15 feet away from the other person number four open vehicles do not provide protection during lighting number five stay away from water bodies as water is a good conductor of electricity number six if you are at a height hill or rooftop come down at once if you are at a place with a dense vegetation then sh take shelter under short trees number seven carrying an umbrella is not a good idea at all during thunderstorms अगर आप ग्रुप में हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाइए लगभग पंद्रह फीट की दूरी पर ओपन व्हीकल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं होते लाइटनिंग में हमेशा वाटर बॉडी से दूर रहें क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप हाइट पे जैसे हिल पे या रूफ टॉप पे तो एकदम से आप नीचे आ जाएं और अगर आप किसी डेंस वेजिटेशन में हैं तो जो सबसे छोटे ट्रीज होते हैं ना उन पे श, उनके नीचे शेल्टर ले जाएं अम्ब्रेला को कैरी करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होता ड्यूरिंग थंडर ओके नेक्स्ट इनसाइड द हाउस अगर आप घर के अंदर है तब आप क्या करें

rather than landlines, lines. Say, plumbing lines because they are made metal and metal okay good conductors, hai, right. Next, lightning conductor. The idea of lightning conductor was first introduced by Benjamin Franklin who suggested that if a building has a number of pointed metals, rods connected to the ground, the charge built by a storm will be quietly discharged to the ground. A lightning conductor specifically consists of a flat thick stripe of metal shaped like a spike at the top. It is ground in such a manner that उटर एंडल्टर टॉप है वो तो बाहर होता है जबकि जो लोअर एंड होता है वो मेटल प्लेट के साथ ज्वाइन होता है जो आपके ग्राउंड के अंदर बैरी किया जाता है okay? और ये सबसे पहले जो था बेंजमिन फ्रेंकलिन ने दिया था ओके okay. क्योंकि उनका मानना था कि जैसे बिल्डिंग में अगर नंबर ऑफ पॉइंटेड मेटल्स होंगे जो ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे तो जो चार्ज बिल्ट होगा स्टॉर्म के द्वारा वो आपका क्वाइटली वो कहां डिस्चार्ज हो जाएगा ग्राउंड में राइट व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द लाइटनिंग कंडक्टर मेक्स अ पैसेज फॉर द एंटायर चार्ज टू पास टू द ग्राउंड विदाउट इमिटिंग द बिल्डिंग द मेटल यूज्ड फॉर अ गुड लाइटनिंग कंडक्टर इज यूजुअली कॉपर proper care should be taken to ensure that the lower end is firmly in contact with the earth else both the conductor and the building may suffer damage due to lightning. ओके तो जब कभी भी lightning आपकी होगी तो जो lightning conductor है वो एक passage बनाता है uh, charge के लिए कि वो ground में आपका चला जाए बिना building को damage किए. ओके okay? and जो metal used किया जाता है वो usually आपका copper होता है. तो proper care ये आपको रखनी चाहिए कि इंश्योर करना चाहिए जो लोअर एंड है ना वो फॉर्मली आपका कॉन्टेक्ट में रहे अर्थ के साथ अदरवाइज कंडक्टर और बिल्डिंग दोनों को भारी नुकसान हो सकता है ओके डिजास्टर्स अ वर्ल्ड

Natural disasters can be grouped as number one, geological hazards like earthquakes and volcanoes, number two, weather related hazards such as cyclones and droughts. Okay, now, these cyclones, droughts, do, weather se related hazards. Hai, right, generally, most of the times it is not possible to predict in advance about the time and intensity of the phenomenon. it is therefore very difficult to take precautions or make arrangements to reduce रिड्यूज here we shall study about अबाउट अर्थ वैसे तो ज्यादातर टाइम इनको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता है ओके okay? और ये जो इनके बारे में इनका टाइम कब आने वाला है इनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी राइट right? तो इसीलिए प्रिकॉशंस लेने फिर तो डिफिकल्ट हो जाते हैं अरेंजमेंट भी नहीं आपका अब कर सकते कि जिससे रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस किया जा सके ओके okay? तो यहाँ पे हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे Earthquake. An earthquake is a violent vibration or tempering of the earth's crust. It occurs due to any breaking, any shifting of large section of the earth's rocky outer layer. The tectonic forces that build the landforms, such as mountains, are also the cause of earthquakes. An earthquake is usually accompanied by evolution of a huge amount of energy stored within the earth's interior. Earthquake, which is a violent vibration, is the earth's crust trembling. और ये होता है क्यों कि कभी जैसे कि ब्रेकिंग होता है या शिफ्टिंग होता है लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ रॉकी आउटर लेयर का लेके okay? एंड जो टेक्टोनिक फोर्सेस होते हैं जो कि लैंडफॉर्म को बिल्ड करते हैं जैसे कि माउंटेन हैं ओके तो आर ऑल्सो द कॉज ऑफ अर्थ क्वेक्स अर्थ क्वेक आपका इवोल्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके अर्थ के इंटीरियर में स्टोर्ड होती है ओके हाउ डज अर्थ क्वेक अक earthquakes generally occur around regions that have a fault or a break in the earth's rocky crust where sections of rock repeatedly move past each other most of the fault regions lie deep inside the earth but some are visible on the surface too वैसे तो आपके earthquake जो है वो generally उन रीजन से होते हैं जहाँ पे फॉल्ट होता है बट ये डीप ये फॉल्ट रीजन आपके अर्थ के डीप में होते हैं जो दिखाई नहीं देते बट हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं सर्फिस पे An earthquake mostly begins from a point where the rock first breaks in the earth. This point is called the seismic focus, the point on the surface of the earth directly above the seismic force is called the epicenter of the earth. earthquake. Just points se aapka begin hota hai, ka jata, seismic force. And earth ke surface me point hota just above the seismic force the epicenter of the earthquake. Aapne epicenter words zarur sunnoga jab kabhi bhi earthquake news aati right tv when the earthquake occurs the violent shifting and breaking of rock gives out energy that travels through the earth in the form of vibrations called seismic waves seismic waves moves outwards in all directions similar to the ripples in water that move away from the point where a pebble is thrown in a pond रॉक्स की तो वो एनर्जी गिवआउ करती है जो अर्थ में ट्रेवल करते हैं वाइब्रेशन की फॉर्म में जिन्हें कहा जाता है सिस्मिक वेवस ओके सिस्मिक वेव जो है वो आउटवर्ड मूव करती है हर डायरेक्शन में जैसे कि अगर आप पानी में पत्थर फेंके तो उसमें रिपल्स बनते हैं ना इसी तरह से तो सिस्मिक वेव जो होती है वो फोकस से मूव करती है तो वो जैसे जैसे मूव करती है तो वो जनरली वीक हो जाती है इसीलिए अर्थ क्वेक का सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होता है जहाँ पे एपीसेंटर होता है ओके और जैसे जैसे दूर दूर जाता है नुकसान कम होता है अर्थ क्वेक्स आर टू फ्रिक्वेंट इन दिसमिक जोन्स सिस्मिक जोन्स जो होते हैं वहां पे आपके अर्थ क्वेक्स काफी ज्यादा होते हैं अबाउट टू थर्ड ऑफ द अर्थ क्वेक्स अकर एंड द सर्कम पैसिफिक बाउंड्री द एल्पाइन हिमालय माउंटेन बेल्स इन यूरोप एंड एशिया अकाउंट फॉर नियरली एटी परसेंट ऑफ अर्थ क्वेक्स लुक इन द जोन्स इन इंडिया इट इज क्लियर दिन द इंटायर हिमालय रीजन पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात बिलोंग द हाई रिस्क कैटेगरीज देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो है आपके हाई कैटेगरी हाई रिस्क कैटेगरीज है जहाँ पर फ्रीकुंट अर्थ क्वेक्स आते हैं Okay. Intensity of earthquakes. Shaking of earth occurs with different degrees of intensity. On account of intensity, earthquakes may be minor, moderate, or major. Major earthquakes are generally prece preceded by tremors and some violent shocks. The shocks are usually followed by shocks of earthquakes, means aftershocks of minor intensity. अर्थ की जो शेकिंग होती है वो डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के साथ होती है राइट right? मतलब आपका माइनर भी हो सकता है मॉडरेट भी हो सकता है और मेच्योर भी हो सकता है राइट अर्थ क्वेक प्रॉन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ क्वेक डैमेज रिस्क zones the country is divided in five parts zone 1 2 3 4 and 5 zone 1 is the least prone and zone 5 is the most prone to earthquakes zone 1 देखते हैं जो कि है very low risk zone areas of south india Odisha, Andhra Pradesh, and Rajasthan fall under this zone. Zone 2 low risk zone, part of Deccan plateau. This zone had two major earthquakes one in 1993 around Kilari village in Latur district, 6.4 on the Richter scale, and the second one is Koina Air area, 6.5 on Richter scale. Zone 3 moderate risk zone. 223 आउट ऑफ टोटल फॉल अंडर जोन से मुंबई कोलकाता चेन्नई यहाँ मॉडरेट रिस्क है आपका तो डिस्ट्रिक्ट्स में से राइट जोन right? 4 हाई रिस्क जोन डेली हरियाणा पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर एरियाज फॉल अंडर दिस जोन एंड जोन 5 that is very high risk zone the complete northeast okay and the kutch part of gujarat fall under this zone now destruction due to earthquakes destruction caused by earthquake is tremendous in terms of both life and property earthquake creates a vertical and horizontal displacement of earth surface the damage due to earthquake may be described as follows number 1 ground shaking it causes the structures and walls to move sideways violently बिल्डिंग्स में भी शेकन फ्राम द फाउंडेशन एंड कलाप्स। अब अर्थक्वेक के बाद देखिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है विनाश होता है डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का ओके जैसे कि ग्राउंड शेकिंग होती है तो स्ट्रक्चर्स एंड जो वॉल्स है वो साइडवेज आपके मूव करता है जिससे कि बिल्डिंग्स का हो जाते हैं ओके नंबर टू फॉल्ट स्लिपिज Shifting of large blocks of earth crust near the fault is called fault slippage. In a major earthquake of this type, the ground may suddenly move up a few meters or more. The buildings or structure close to it will get completely destroyed. It may loosen the soil and rock and trigger a landslide. It may also break down the banks of rivers and cause flooding. This means shift or large blocks of earth ka. वो होता है फॉल्ट के पास जैसे कहते हैं फॉल्ट स्लिपेज मेजर अर्थ की बात करें तो जो ग्राउंड है वो सडनली आपके कुछ मीटर्स ऊपर मूव कर सकती है उससे भी ज्यादा तो जो बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स जो भी इसके क्लोज होंगे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे लू सॉइल लूज हो जाएगी फिर लैंड को ट्रिगर करेगा इसके अलावा ये जो रिवर्स के बैंक हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगे जिसकी वजह से फ्लडिंग होगी ओके नंबर थ्री इज सुनामीज

Other hazards Fires may begin if an earthquake ruptures gas or power lines. In, nine, in 1906, San Francisco earthquake turned disastrous due to a fire that broke out for a few days and could not be controlled. Oil spills, breakdown of sewage lines, a shortage of drinking water, disruption in power supply and communication are some serious consequences of an earthquake. बिसाइड यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इंजरीज मैनी कम्युनिकेबल एंड वाटरबॉन्ट डिसीजेज लाइक रिसेंटली कॉल एंड टाइफाइड टू ब्रेकआउट अच्छा अर्थक्वेक में फायर्स आग भी लग जाती है ओके क्योंकि जैसे गैस या पावर लाइन अगर रपच्चर हो जाएगी जैसे नाइनटीन हंड्रेड सिक्स में सैन फ्रांसिस्को में ऐसा हुआ था ओके ऑल स्पिल हो जाता है कई बार सोएच लाइन ब्रेकडाउन हो जाती है पानी का का सप्लाई शॉर्टेज हो जाता है पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है, ओके? इसके अलावा ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को तो बहुत नुकसान पहुंचता है साथ ही साथ बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज आपकी स्प्रेड हो जाती है मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग इन अर्थक्वेक द साइंटिस्ट रिकॉर्ड स्ट्रेंथ एंड लोकेशन ऑफ एन अर्थक्वेक बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ It has sensors that can detect ground movements as small as 100 millionth of a centimeter. The scale for recording the magnitude of an earthquake is called a Richter scale developed by an American seismologist Charles F. Richter. The scale varies uh, from Z 1 to 100, but the highest magnitude ever measured is 8.5 for an Alaska earthquake in 1964. The effect and frequency of earthquakes on the basis of Richter scale are given in the table below. अर्थ क्वैक के जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है सिस्मो ग्रैफ ओके एंड जो स्केल होता है जो अर्थ के मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करता है दैट इज नोन एज रिक्टर स्केल इसमें आपके स्केल होते हैं वन से लेकर टेन तक बट जो हाइएस्ट रिक्टर मैग्नीट्यूड अभी तक का जो मेजर किया गया है वह है एट पॉइंट फाइव जो आपका अलास्का अर्थ क्वैक आया था नाइनटीन सिक्सटी फोर में ओके सो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है अर्थ क्वेक्स का राइट right? Next is Bhuj earthquake. On January 26, 2001 at 8.46 a.m. an earthquake of a strength 6.9 on Richter scale rocked the seismically active area of Kutch district of Gujarat state about 600 km northwest of Mumbai. The town of Bhuj is centrally located in the Kutch district. So this earthquake is known as a Bhuj earthquake. More than seventeen thousand people were dead. About 1,50,000 lakh injured, and fifteen lakh seventy thousand affected by this earthquake. About two lakh fifty-eight thousand houses were damaged or destroyed in Kutch. And about eight lakh thirty-nine thousand houses were damaged or destroyed in the whole Gujarat state. Most of the buildings were non-engineered buildings. However, there are many instances of collapse of engineered reinforced concrete structures. Also, India may twenty-six January two thousand one अर्थक्वेक आपका आपके गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ओके okay? तो भुज जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का इसीलिए इस अर्थक्वेक को कहा जाता है भुज अर्थक्वेक जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था बहुत सारे लोग मारे गए थे राइट right? बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे इससे बहुत सारी बिल्डिंग्स कलेप्स हो गई थी बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर्स डेमेज हो गए थे राइट नेक्स्ट रिस्पॉन्स एंड मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट येट टू प्रोटेक्ट अक्रेंस ऑफ एन 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 अर्थ क्वेक वी कैन स्टिल मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाई आडेंटीफाई फॉल्ट जोनस एंड कंस्ट्रक्टिंग अर्थ क्वैक रेजिस्ट बिल्डिंग्स अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग इन अर्थ क्वैक प्रॉन एरियाज शुड भी प्रीवेंटेड गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर लाइन शुड बी प्रोवाइडेड विद फ्लेक्सीबल जॉइंट्स प्रो वेट ब्रेकिंगे वैसे अर्थ क्वैक को प्रोडिक्ट करना डिफिकल्ट है बट हाँ हम जो लॉस अर्थ क्वैक की वजह से होता है उसको मिनामाइज कर सकते हैं जैसे कि फॉल्ट जोन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर अर्थ क्वैक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हम Construct, right measures to minimize loss due to earthquake. Number one, if you are in a building when the tremors occur, shift away from the exterior walls. Stay away from windows, Elmira's hanging things. Hide yourself under a strong table, doorway, or a bed. Protect your eyes by pressing your arms over them. अगर आप बिल्डिंग और ट्रेमर्स स्टार्ट हो चुके हैं तो एक्सटीरियर वॉल से आप दूर रहें विंडोज अलमीरा हैंगिंग थिंग इन सभी से अपने आप को दूर रखें आपने आपको एक रखेंग टेबल के नीचे आप आप अपने को हाइड कर सकते हैं या बेड के नीचे भी राइट नंबर टू इफ ड्राइविंग मूव द व्हीकल टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप योर व्हीकल अवे फ्रॉम ट्रीज बॉर्ड ब्रिजेस एंड इलेक्ट्रिक पोल नंबर थ्री डू नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स नंबर फोर डू नॉट पैनिक एंड यूज़ योर रिसोर्सेज टू हेल्प अदर्स इफ आर सेफ कोऑपरेट विद गवर्नमेंट एजेंसीज इन इवैक्यूएशन एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर नंबर फाइव गवर्नमेंट एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव एन एग्जॉस्टिव प्रोग्राम एंड मशीनरी व्हिच शुड बी पुट इनटू टू एक्शन इमीजिएटली टू मैनेज द क्राइसिस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने व्हीकल को रोड की सेफ साइड पर लेके जाए ओके okay? अपने जो व्हीकल को ट्रीज बोर्ड्स ब्रिजेस इलेक्ट्रिक पोल से दूर रखें इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का यूज ना करें इस टाइम पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उनसे आप दूसरों की हेल्प करें अगर आप सेफ हैं तो राइट और आपके जो गवर्नमेंट है या जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एग्जॉस्टिव प्रोग्राम जो है या मशीनरीज का यूज़ कर होना चाहिए उनके पास जिससे कि वो क्राइसिस को मैनेज कर सकें राइट स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे